الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ये भी मसला है खमर का, चूँकि खमर का कारोबार और शराब का कारोबार उन्होंने किया है, आया उसके पैसे को अल्लाह का भला करे जिहाद में लगा सकते हैं न लगाएं जी। बात चूँकि जिहाद की चल रही है, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। खमर वाले हराम पैसे को न लगाएं। आप हजरात हैरान होंगे कि सूरह आल इमरान जब हम शुरू करेंगे, गज़वात में से सबसे ज़्यादा तवील दास्तान कुरान ने इसका ग़ज़वे उहद का बयान किया, बहुत तवील। और ग़ज़वे उहद के दरमियान में अल्लाह पाक फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़ाफ़ मुज़ाफ़तम, सूद बढ़ा चढ़ा करके न खाया करो। जिहाद के दरमियान सूद का क्या तुक बनता है, क्या मुनासबत है? मुनासबत यही है कि जब सूद और रिश्वत का पैसा जब आप खाओगे तो वो जिहाद बजाय कामयाबी के नाकामी के अंदर बदल जाएगा। इस वजह से वहाँ ग़ज़वे उहद के दरमियान में खूब उनको बताया गया, और यहाँ भी यही मसला आ गया। और फिर तीसरे पारे के अंदर वे यहाँ जा कर के अल्लाह का भला करे रिबा के मसले को छेड़ेगा। ये सलू न कहने लगे, ये रब्त हो गया कि जिहाद में इसका पैसे न लगे। दूसरा एक रब्त ये है कि शराब के अंदर दो चीज़ें हैं, एक ये है कि शराब वो हराम है, नुकसानदेह है, लेकिन नुकसानदेह कहो हराम तो न कहो, शराब नुकसानदेह है। और दूसरा ये कि उसमें फ़ायदा भी है, फ़ायदा यही है कि आदमी शराब पीता है तो वो पूरा मोटा ताज़ा हो जाता, अच्छा खासा हो जाता, नफ़ा भी है और नुकसान भी है। ज़ू जिहतैन है ये मसला। आगे मुशरिकीन का मसला है, मुशरिकात का, मुशरिका ख़वातीन खूबसूरत भी है लेकिन शिर्क की वजह से अल्लाह आपको भला करे मसला ये है कि वो हराम भी है, हराम असली। उसके बाद आगे जा कर के हैज़ का मसला छेड़ेगा कि हैज़ के अंदर बीवी तो हलाल है आपके लिए लेकिन हालत हैज़ में आरिज़ की वजह से हराम है, आरिज़ की वजह से। तो मुशरिका के बाद, मुशरिकात के बाद फिर हाइज़ा का, लेकिन मुशरिकात की जो हुरमत हुरमत असली है और हैज़ वाले हाइज़ा औरतों की उनकी जो हुरमत हुरमत आरज़ी है, ये दो तीन रुकू आ गए आपके सामने। यसअलूनका अनिल ख़म्रे, ये आपसे पूछते हैं शराब के बारे में, वलमैसिर और जुआ के बारे में पूछते हैं कि ये क्या है। शराब की जो हुरमत है ये तदरीजन आई है, ये जो हुरमत है तदरीजन आई। ज़ाहिर है कि जो लोग मुस्तकिल शराब पीते हों और शराब के आदी बन चुके हों उनको अल्लाह आपका भला करे, आप फौरन कह दें शराब छोड़ दें, इस तरह नहीं होगा, मुश्किल है। इसलिए अहकाम शरिया में हालात ज़माने की रियायत, यानी तदरीजन तदरीजन आहिस्ते आहिस्ते लोगों की नफ्सियात को देखा जाता है, नफ्सियात में यही है। अब वो सहाबा जो कि जो आ गए मदीने के अंदर, मुस्तकिल शराब की आदत थी तो इसलिए पूछा, यसअलूनक अनिल ख़म्र कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन, इनमें गुनाह भी है, व मुनाफ़िउ लिन्नास और शराब में नफ़ा भी है, नफ़ा भी वही है, कमज़ोर आदमी पीता है दबा करके वो भी मस्त होता है, वो होता समझे। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, वो ये कर दो कि आप ये जो गिलास है ना, दो गिलास आप ले लें गाय के गोश्त ले लें, गाय के गोश्त ले करके इस गिलास में पानी डाल दें, गाय का गोश्त आप डाल दें और दूसरे गिलास में या किसी बड़े बर्तन में उसके अंदर आप शराब डालें और गाय का कच्चा गोश्त उसमें डाल दें। एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे पानी वाले गोश्त के अंदर बदबू तो पैदा होगी लेकिन गलेगा सड़ेगा नहीं, वो गलेगा सड़ेगा नहीं, बरखिलाफ़ शराब वाला कि शराब गला करके उसको तबाह कर देगा।
शराब उसको गला करके तबाह कर देगी, गाय के गोश्त को भी, कोई सा भी गोश्त आप ले लें, पानी उसको बदबू तो होगी लेकिन यह कि पानी उसको गलाएगा सड़ाएगा नहीं, बरखिलाफ उसके कि शराब उसको तबाह करेगा एक दो दिन के बाद। तो जो शराब गाय के गोश्त को तबाह कर दे वो शराब तेरे फेफड़ों को क्या छोड़ेगा, वो तेरे बाकी मसाइल को क्या छोड़ेगा। इस वजह से शरई मसला ये है, कुल मा यज़ुर्रु अल-इंसान, जो चीज़ इंसान के लिए नुकसानदेह है सेहत के लिहाज से शरीयत भी उसको हराम करार देती है। ये नहीं है कि शरीयत किसी चीज़ को हराम करार दे रही है आप कहें कि इसमें मेरा फ़ायदा है, नहीं वो नहीं होगा। सेहत इंसानी के लिए जो चीज़ मुज़र है तो यकीनन खिंजीर, ज़ाहिर है कि आप अंडे खाते हैं अंडे का असर आप पर हो जाता है, मछली गर्म खाते उस दिन आपकी तबीयत गर्म हो जाती है। गाय के गोश्त की तासीर अलग है, हर ज़ाहिर के जो गर्म चीज़ें उनकी तासीर गर्म है, जो ठंडी चीज़ें ठंडी है। खिंजीर के अंदर बेहियाई है और कुत्ते के अंदर बेहियाई, बहुत बेहियाई। ग़िज़ा का असर मुग़तज़ी पर होता है, ग़िज़ा का असर मुग़तज़ी पर होता है, इसलिए जो खाते हैं खिंजीर के गोश्त खाएँगे तो फिर बेग़ैरती उनके अंदर आला दर्जे की होगी, खिंजीर के गोश्त में आला किस्म की। यह सलून शराब की हुरमत तदरीजी है, आहिस्ते आहिस्ते नफसियात को देख कर। अब उनको बताया गया कि इस्मों कबीर होना, इनमें गुनाह भी है वमनाफी उलिन्ना से नफ़ा भी है। फिर चंद दिनों के बाद चलते 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 फिर कहा कि हज़रत शराब के बारे में कोई पूरी बात तो नहीं आई, तो कुरान में आया कि ला तकरबु सलात वान तुम सुकारा, शराब पी करके नमाज में ना जाओ, हराम नहीं कहा उसको, ला तकरबु सलात वान तुम सुकारा, नशा पी करके नमाज में ना जाओ। तो अक्लमंद आदमी खुद सोचने पर मजबूर होता है कि मैं दूध पी करके नमाज में जा सकता हूँ, रूई अफ़ज़ा पी करके जा सकता हूँ, शरबत शीरीन पी करके जा सकता हूँ, और कोई भी शरबत पी करके जा सकता हूँ, आखिर शराब पी करके नमाज की हालत में ना जाओ, ये क्या है। मालूम होता है कि इस्लामाबाद की हालत ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। ये दूसरा मरतबा। तीसरी मरतबे पर फरमाया कि इन्नमल खमर वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्स मिन अमल शैतान, फरमाइए बिल्कुल पलीत है, सुभान अल्लाह। अब तीसरे नंबर पर ये तीसरा हुक्म आ गया सातवें पारे के अंदर, पहले दूसरे पारे में, दूसरा हुक्म पाँचवें पारे में, तीसरा हुक्म सातवें पारे के अंदर, तीसरा हुक्म सातवें पारे में, और सातवें पारे के बाद कि नजस है पलीत है, उसके बाद फिर फरमाया फहल अंतुम मुंतहून, और आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैं कायदा वहाँ आपसे अर्ज़ करूँगा, फहल अंतुम मुंतहू का मना इंतहू इंतहू इंतहू, अब तो बाज़ आ जाओ, अब तो छोड़ दो, चुनांचे साहबा ने फिर छोड़ दिया। हज़रत अनस कहते कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐलान कर दो, तो मैंने मदीने में ऐलान करा, फरमाया कि बखुदा मदीने की गलियों के अंदर लोगों ने मटके शराब के फेंक दिए, गलियों के अंदर शराब बह रहा था, इस तरीके पर हो गया। ये सलून का नल खमर वल मैसर, आपसे पूछते हैं शराब के बारे में और जुआ के बारे में। कुलफीमा इस्मुन कबीरुन, आप ये कह दें कि इनके अंदर बहुत बड़ा गुना भी है। फीहिमा साबितुन कायनुन हासिलुन, इसके साथ मुतालिक होकर के खबर मुकदम बनेगा, लेकिन गलत बताया मैंने। इस्मुन कबीरुन व मुनाफ़ी लिन्ना से, मुनाफ़ी और इस्म कबीर ये दोनों के दोनों मुबतदा मुअख्खर है। फीहिमा साबितान कायनान हासिलान मौजूदान मुस्तकिरान के मुतालिक होगा, ख्याल कर लें। इस्मुन कबीरुन, इनमें गुना भी बहुत है, व मुनाफ़ी कायनतुन लिन्ना से, और लोगों के लिए नफ़ा भी बहुत है। फीहिमा साबितान कायनान, लेकिन वह इस्महुमा अकबर मिन नफ़ीहिमा, इनका जो गुनाह है वो अकबर मिन नफ़ीहिमा, इनकी नफ़ा से ज़्यादा है, अकबर अक्सर के मान में। वह यसअलूनक मादा युन्फिकून, और आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। ये वही सुबह सवाल जो मैंने आपको दिखाया था, ये माजा महलन मनसूब बनेगा और युन्फिकून का मफूल भी बनेगा। वह यसअलूनक मादा युन्फिकून, आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कुल अल अफ़्वा, अफ़्व का माना ज़ायद के, अफ़ो के माना जायद के भी आते हैं, और अफ़ो के माना अल्लाह का भला करिए कि गुरूर के और कसरत के भी आता है, इंशाल्लाह नबी बारे में आपके सामने आ जाएगा। यहाँ कुल अफ़ का माना मा फजूल अन हाजत को माना असली है, जो चीज़ आपसे खुद जायद हो आपकी ज़रूरियात में ना हो उसको खर्च करो। शरीयत ये नहीं कहती है कि तू सारा का सारा उठा करके गरीबों को दे दे, खुद भीख मांग ले, यही नहीं। तो अफ़ो का माना माफ़ज़ुल अन हाजत कुमल असली है, जो आपके हाजत असली से
یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو بیان کرتا ہے. آیات سے مراد اوامر اور نواہی ہے، اوامر اور نواہی کو بیان کرتا ہے. کذالک اس طرح، یعنی بیانن کذا کائنن کذالک، یہ کذالک مفعول مطلق ہے یبینوں کے لیے، لکی تتفکروا، تاکہ آپ فکر کر لو. لعلکم تتفکرون کا معنی لکی تتفکروا فی الدنیا، دنیا اور آخرت میں فکر کرو. دنیا آخرت میں کیا فکر کرو؟ دنیا میں فکر کہو کہ انہا فانیتن، آخرت میں فکر کہو کہ انہا باقیتن. دنیا میں فکر کرو کہ انہا فانیتن، وہ فانی ہے، اور آخرت میں فکر کرو کہ انہا باقیتن، وہ باقی ہے. تو آپ بھی سوچو، جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو. لاہور آدمی جاتا ہے تو تھوڑا سا توشہ لیتا ہے، زیادہ راہ اور توشہ تھوڑا سا لیتا ہے. سعودی جاتا کچھ زیادہ لیتا ہے. سفر جتنا طویل ہوگا، جتنا دور ہوگا، اس کے لیے اتنی تیاری کرنی ہوگی. اس لیے آخرت کے لیے، آخرت کی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے، لہذا اس کے لیے محنت زیادہ کرنی ہوگی. یہ مسئلہ ہو گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یتیم کے مال کے بارے میں، ان مال الْيَتَامَى، یتیم کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں. یتیم کے مال کو خدا کے لیے اس کی نگرانی تو کر لو. اصل میں انہوں نے جب یتیم کے مال کو حرام قرار دیا گیا کہ یتیم کا ایک پیسہ بھی نہ آ جائے، ہوگا کیا مولانا؟ یہ پانی زیادہ ہے، یہ پانی زیادہ ہے، پورا گلاس ہے، اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو، پھر پانی آپ اس کو کہیں گے یا پیشاب کہیں گے؟ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ پورا گلاس پانی ہے، ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو، اس کے بعد اس کا حکم صاف پانی کا اور طاہر اور پاک پانی کا ہوگا یا نجس پیشاب کا حکم ہوگا؟ نجس پیشاب کا. یتیم کا مال ہے حرام، آپ کے لیے حرام ہے. تو آپ کے کروڑوں میں اگر ایک لاکھ روپے اس کا مل گیا تو ستیہ ناس کر دیا آپ کا. وہ انشاءاللہ اس کا آپ دیکھ لیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسو، پرسو نہیں تو ترسو، ترسو نہیں تو خرسو، خرسو نہیں تو ٹھرسو. آپ دیکھیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ یتیم کے مال کے بارے اور زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ میں کیا ہے؟ زکوٰۃ میں یہ کہ آپ کے پاس 40 لاکھ کے سال گزر چکے ہیں، 1 لاکھ وہ فقیروں کا حق ہے، تو 39 آپ کے لیے پاک ہو گئے. لیکن یہ جو 40واں حصہ اگر آپ نے نہیں دیا رکھا، وہ یہ آپ کے 39 کو بھی بگاڑ کر کے چھوڑ دے گا، اس لیے کہ وہ آپ کے حق میں ناپاک ہے. آپ کے حق میں اور آپ کے بچوں کے لیے وہ ناپاک ہے، وہ تو فقیروں کا حق ہے. زکوٰۃ 40واں حصہ آپ کے لیے ناپاک ہے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ہی اوساخ الناس، سے یہ مال کا گند ہے، مال کا گند ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سید کے لیے ناجائز ہے زکوٰۃ، اس لیے کہ سید آل رسول ہے. زکوٰۃ تو مولوی لے لیں، اور مولوی لے لیں گے کھائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا ذہن بھی تو اسی طرح بنتا ہے، سمجھے؟ تو 40واں جو حصہ ہے نا، وہ آپ کے حق میں، جو آپ مالدار ہیں آپ کے حق میں ناپاک ہے. وہ یہ سلوم کرنے لیے تامہ ان مال لیے تامہ، یتیم کے مال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. قل اصلاح لہم، قل اصلاح لاموالہم، ان کے مال کو ٹھیک کرنا خیر ان تمہارے لیے بہتر ہے. قل اصلاح لاموالہم، ان کے مال کو ٹھیک کر لینا، ان کی بھلائی چاہنا، یا ان کی بھلائی چاہنا خیر ان، یہ ان کے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. وہ ان تو خالطم کا من، وہ ان تو خالطو اموالحم، اگر یہ ان کے مال کو تم اپنے مال کے ساتھ ملا دو، فہم اخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہے. ظاہر ہے کہ یتیم کے غریب کی 40 لاکھ روپے ہیں، 10 لاکھ روپے ان کے والدین نے چھوڑے، معصوم ہیں بچے، یتیم بالغیت سے پہلے، اس میں آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ اس میں تجارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کچھ مال نہیں ہے، آپ یتیم کے مال میں تجارت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ کا کھانا پینا بھی یتیم کے مال سے ہوگا، لیکن آپ کھا سکتے ہیں. آپ اتنی محنت مزدوری کر رہے ہیں، آپ کا بھائی کے انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی پراپرٹی، اس کو چھوڑیں گے تو کھا کر کے چند سالوں کے اندر وہ ختم کریں گے. آپ اس میں تجارت کریں، آپ اس میں مناسب خدا ترسی، جیسے اپنے مال کی نگرانی کرتے ہیں اس کی نگرانی اس طرح کریں. اور آپ کی مزدوری اجازت ہے آپ کو کہ ایک ہوٹل سے آپ 250 روپے کا کھانا کھا سکتے ہیں، 300 روپے کا آپ اس کے پیسوں میں سے کھا سکتے ہیں. یتیم کے مال میں تجارت کر رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن بجائے کہ آپ ایک ہوٹل سے جا کر کے 5,000 کے کھانا کھاتے ہیں، سمجھے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کو تو ہر بندہ خود بھی سمجھتا ہے نا، ہر بندہ خود سمجھتا ہے کہ میری کفایت کہاں سے ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتی ہے. آپ چاہیں کہ پیالی آپ کو یہاں سے ملے گی 50 روپے میں، 60 روپے میں، 30 روپے میں،
आपको चाय के कप मिलेंगे, और रेजेंट प्लाजा होटल में आप जाएंगे तो 400-500 रुपए में तो आपको एक कप मिलेगा, और अल्लाह की फजल से वैसी गंदी चाय होती है, ये मज़ेदार उसे होती है, लेकिन वहाँ स्पेशल है। जैसे हम लोग मौलवी लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, कॉन्फ्रेंस होटलों के अंदर, अब वो होटल में, उस होटल में एक एक बंदे पर कितना खर्चा आता है, हज़ारों खर्चा आता है। ये तो आप यतीम के माल की निगहदाश्त करते हैं, कुल इस्लाहु लहुम, उनकी भलाई चाहना, या इस्लाहु लिअमवालिहिम, उनके माल को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना, खैरुन, ये बेहतर है। वइन तुखालितु अमवालहुम, उसका माल तेरे माल के साथ मिलाओ, हिसाब किताब को खूब जारी रखें, फहुम इख्वानुकुम, वो तुम्हारे भाई है। वल्लाहु यअलम मुफ्सिद मिन अल-मुस्लिह, अल्लाह ताला बिगाड़ वाले को ठीक करने वाले के मुकाबले में जानता है, बिगाड़ने वाले को, बिगाड़ यही है, जालिम का बच्चा तू 500 रुपए का खाना खा सकता है, 2500-3000 रुपए का तू एक टाइम का खाना खाता है, या अपने दोस्तों को कहते आ पैसे यतीम का है, आपको खुद आपका ज़मीर आपको मलामत कर रहा है। वलो शाह अल्लाह वल्लाहु यअलम मुफ्सिद, अल्लाह ताला बिगाड़ वाले को जानता है, मिन अल-मुस्लिह, इस्लाह वाले के मुकाबले में। वलो शाह अल्लाह लआनतकुम, खुदा अगर चाहता तो आपको मुशक्क़त में डालता है, लआनतकुम शर्त व जज़ा है मौलाना, लआनतकुम, आनत फ़ेल है, वो ज़मीर फ़ाइल है, हुकुम मफ़ूल भी है, ये जज़ा बन गए। इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन, अल्लाह क़ादिर मुतलक है, अगर तुम थोड़ा सा इधर उधर करो खुदा यहीं तुमसे इंतकाम ले सकता, लेकिन हकीमुन हिकमत वाली ज़ात है। इसमें भी हिकमत है कि यतीम की माल को हकीमुन ले इस्लाह माल यतीम है, यतीम की माल की इस्लाह जो आपको इजाज़त दी है आप यह कि कर लें, ये मसला हो गया। उसके बाद तीसरा मसला है, वला तनकिहुल मुशरिकात, थोड़ा वला तनकिहुल मुशरिकात, मुशरिकात से निकाह ना करो। मौलाना ख्याल कर लेना, इस मुशरिकात से मुराद अरब मुशरिकात है, इसलिए कि अरबों के लिए दो ऑप्शन हैं। अरबों को कहा मेरे नबी ने, या इस्लाम कबूल करो या गर्दन तुम्हारी उड़ाएंगे, अरब के लिए। और बिलाद अरब से बाहर के लोगों के लिए तीन चीज़ें, या इस्लाम अपनी खुशी से इस्तेमाल करो, या जिज़िया दे दो हमें, टैक्स दे दो, या यह कि तुमसे हमारी जंग होगी। ये तीन चीज़ें अरबों के लिए दो है, या इस्लाम या तलवार। और अरब जो मुशरिक अरब मुशरिकात हैं उनसे निकाह की इजाज़त नहीं है, यहूदन और नसरानी औरतों से इजाज़त है किताबिया, लिहाजा आप ये कहेंगे अल मुशरिकात आम मखसूस मिन अलबाज है, मामिन आमिन इल्ला वक़्त खुस मिन अलबाज, हर आम में तख़सीस होती है, इसमें यही है, यहूदन और नसरानी औरतों से इजाज़त है निकाह करने की, लेकिन न वाजिब है न फ़र्ज़ है न सुन्नत मौक़द है न सुन्नत गैर, सिर्फ जायज़ है। ये देखो जालिम, देखा मैंने दाढ़ी के बाल निकाल दी, ये देखा शायद, ये देखा देख लिया, अब तुम सीना के बाल निकाल करके मुझे दे दो दाढ़ी के बाल तो मैंने निकाल दी, ये निकाल, आप चाहें तो दूसरे निकाल देता हूँ, सीना के बाल निकाल करके मुझे दिखा दो ज़रा, और अगर सीना के बाल को ज़्यादा तेज़ खींचा हो सकता कि कुछ किसी पैकेज का ऐलान हो जाए, आप समझ नहीं रहे, सीना के बाल को अगर खींचा तो फिर क्या होगा, किसी पैकेज का ऐलान होगा अनवारुल हक काकड़ की तरफ से, पैकेज तो आप समझ गए, वजू टूट जाएगा। शोहर को भी जौज कहते, बीवी को भी जौज, अरबी में एक लफ्ज़ है, उर्दू में तो मियाँ बीवी, शोहर बीवी, लेकिन अरबी में एक लफ्ज़ है, मर्द के लिए भी जौज, शोहर के लिए, बीवी के लिए भी जौज। वो सीने का बाल है बीवी, और सीने के बाल को कोई जुदा कर नहीं सकता बीवी से, बीवी के सामने आदमी नंगा है तो और क्या चाहिए, शेखुल हदीस भी नंगा है, पीर साहब भी नंगा है, बीवी के सामने शेखुल हदीस भी नंगा है, बीवी भी, तो बीवी से जब आपकी शर्मगाह छुपी हुई नहीं है तो आपके राज कहाँ छुपेंगे। इसलिए यहूदन और नसरानी औरतें, उनके साथ निकाह की इजाज़त है, सिर्फ जायज़ है, लेकिन अल्लाह आपका भला करिए, न सुन्नत है न वाजिब है न फ़र्ज़ है न सुन्नत मौक़द है न सुन्नत गैर, क्यों, इसलिए कि यहूदन, मुझे बताओ कि बीवी ज़्यादा प्यारी होती है, समझ रही है कि नहीं, समझे, बीवी तो बहुत ज़्यादा, मज़हब आपको प्यारा होता है, लेकिन अगर आपने यहूदन से निकाह किया और रात को यहूदी लड़की के साथ आप सोई हुई है, और आप कहेंगे कि हमारे
मंसूबा बनता है, मंसूबा तैयार हो चुका है, पॉलिसी हमारी तैयार हो चुकी है, हम तुम्हारे यहूदियों के थस नस करते जा रहे। बिस्तरे में आपने कहा सुबह को इंशाल्लाह आप बाहर निकलेंगे बाज़ार से टमाटर ख़रीदने के लिए कि ये तेरी राज जो है ना, ये राज वो यहूदन यहूदियों को पहुँचाएगा। इसलिए कलंदर हर चीज गोयत दीद गोयत, कलंदर जो कुछ कहता है देख करके कहता है। हज़रत उमर ने फरमाया कि कुरान ने इजाज़त दी है, नबी ने इजाज़त दी है, मैं इसको नाजायज़ नहीं कहता, लेकिन नफर्ज है नवाजिब है न मुस्तब, इसलिए मैं इसको स्टॉप कराता हूँ, ब्रेक लगाया। फरमाया ख़बरदार यहूदन के साथ कोई निकाह ना करें, समझे। हज़रत तलहा ने यहूदी लड़की से निकाह किया, फरमाया तलाक दे। हज़रत हुज़ैफ़ा ने ईसाई से निकाह किया था, ईसाई लड़की से। आप इतना ही नहीं देखते हैं, हमारी बहनें तो सीधा सादी होती है, हमारी बेटियां मुसलमानों की गैरतमंद होती है, समझे। उनको पता नहीं, वो अपन नहीं दिखाते, लेकिन यहूदन और नसरानियों को अपने देखा, वो जो सैंडल मैंडल जो पहन करके ना, ये पिछला हिस्सा बाहर निकलता है, सैंडल ऐसा अंग्रेज़ ने बनाया कि उसके सामने वाली उंगलियाँ नीचे होती है और पीछे से ये उठता है। ये सैंडल का तरीका सबसे पहले उन्होंने हमें सिखाया, पाँव यहाँ, उंगलियाँ नीचे, और ये एड़ी उठी, और ये सुरीन इधर से निकल। इसलिए हज़रत उमर का जुमला सुनो, फरमाए इन्नी अखाफ़ अन यकून ज़ालिका फितनतन लिनिसाइल मुस्लिमीन लिहुस्निहिन्न व जमालिहिन्न। ये सुर्खी पाउडर लगा करके अपनी शर्मगाह दिखा दिखा करके हमारे मुसलमान नौजवान इनसे निकाह करेंगे तो फिर हमारी बहनें और हमारी बेटियाँ बग़ैर निकाह के क्या करेंगे, इंसान वो जिना का रास्ता इख्तियार करेंगे। खबरदार कोई यहूदन से और नसरानी से निकाह ना करें, यहूदन और नसरानी से निकाह ना करें। हम बरतानिया में गए तो हमारे साथी बैठा हुआ मेरा दोस्त, अब अमेरिका वाले भी मौलवी बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे पता ना करो, बरतानिया में हम गए, बखुदा साथियों ने तबलीगी साथियों ने निकाह किया, जलील हो गए उनको देख देख करके, फिर मौलवी का दिल भी ऐन गैन स्वाद स्वाद हो जाता। हज़रत उमर ने कमाल नहीं किया, इन्नी अखाफ़ अन यकून ज़ालिका फितनतन लिनिसाइल मुस्लिमीन व जमालिहिन्न। तुम इनके सैंडल को देख करके और इसको देख करके और वो नीली नीली आँखें उनकी आप जब आँख देखेंगे ना, तो फिर ये आप उनके साथ निकाह करेंगे तो एक घर के अंदर बेटियाँ बैठी हुई है, बहनें बैठी हुई है, वो क्या करेंगे, करेंगे क्या, वो जिना का रास्ता इख्तियार करेंगे। कारी साहब को कहेंगे कि मेरे घर में आकर के कुरान पढ़ाओ, कारी साहब जब कुरान पढ़ाने के लिए जाएगा तो वो कहेंगे कुरान तो बाद में इस्तिग़फ़ार करेंगे, पहले ये काम करो। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ, जी यही हो रहा। अब इस वक्त सऊदी के अंदर, सऊदी की आबादी इतनी बड़ी नहीं है, सऊदी की आबादी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सऊदी के अंदर इस वक्त आपको बता दूँ कम अज़ कम 46-47 ख़वातीन है, 46-47 लाख ख़वातीन है। पठान से उनको निकाह की इजाज़त नहीं, बलोच से नहीं है, सिंधी से नहीं है, और ख़ुद निकाह भी नहीं करते, खुद जाकर के यूरोप में, उनके पास रियाल है, उनके पास पैसा है, सोना चांदी पेट्रोल है सऊदी का, खुद जाकर के वहाँ। तो 45-46 लाख ख़वातीन कुछ मुतल्लकात हैं और कुछ सरे से गैर मुतज़व्विजात हैं, उन्होंने निकाह नहीं किया, तो वो क्या करेंगे। ये वो उमर है, बोलो उमर जिंदाबाद, ये जी। इसलिए हज़रत उमर ने फरमाया, हज़रत तलहा को कहा कि यहूदी को तलाक दे, मुझे पता चल गया, छोड़। और हज़रत हुज़ैफ़ा कितने बड़े आदमी हैं, साहिब सिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने राज की बातें उनको बताते। हज़रत हुज़ैफ़ा ने ईसाई से, कुरान में इजाज़त है, चटे पारे में आपके सामने आएगा, उसने ईसाई से निकाह किया। हज़रत उमर ने फरमाया मेरा ख़त आएगा आपको, खबरदार ख़त को पढ़ करके नीचे नहीं रखना, यहीं पढ़ते पढ़ते बीवी को कहना यवा दुआ दरे जो, यहीं से बीवी को तलाक दे देना। और अगर आपने सोचा कि तलाक दूं या ना दूं, तो मैं उमर आकर के तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करूंगा। हमारी बेटियां और हमारी बहनें इस तरीके पर, और ये सुर्खी बॉर्डर वाले समझते हैं, तो इसलिए मैंने रखा कि बीवी बीवी होती, बोलो, इसलिए आपके राज की बातें आउट हो जाएंगी, यही वजह तो है मसला। वला तनकुल मुशरिकात, मुशरिकात मुअरफ बिल्ला में मुशरिकातुल अरब, उनसे निकाह की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये आयत मखसूस मिनहल बाज है, इससे तख़सीस हो गई अब इजाज़त। मुशरिकात हत्ता यूमिन्ना, ये मखसूस मिनहल बाज है। हमारे अकाबरीन हज़रत एक दस मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह
के शागिर्द शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह मौलाना पंचवीरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अक़दस इमाम अहले सुन्नत मौला सरफराज ख़ान वो भी उनके शागिर्दों में से हैं, लेकिन मसला ये फ़र्क है मिजाज मिजाज का। बारा या लाम वाविया, बारा या लाम वाविया, आया ये मुअव्विल है या मुहर्रिफ है? जो बिदअती हजरात हैं मुअव्विल है या मुहर्रिफ है? जो दारुल उलूम जामे फारूकिया बिनोरी टाउन अहसन उलूम ने जामे सिद्दीकिया लाहौर अशरफिया अकोड़ा खटक, जिनके मिजाज पर फिका का गलबा है तफक्कु का गलबा है, वो कहते हैं कि ये हजरात बिदअती हजरात मुअव्विलीन हैं और मुअव्विल काफिर नहीं है। और ये दूसरे हजरात जो है ना जिनके मिजाज पर जो तफसीर पढ़ाते हैं कुरान में जलाल, वो कहते हैं कि नहीं ये मुशरिकीन है, ये क्या है ये मुशरिकीन है, इनके मिजाज ये शिर्क है, ये मुहर्रिफ है, मुअव्विलीन नहीं है मुहर्रिफीन है और मुहर्रिफ काफिर है, लिहाजा इनके साथ निकाह की इजाज़त नहीं। सऊदी फतावा उलमा बलदिल हरमैन और इसी तरह शेख साले अल उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह के उनकी फतवा 50 जिल्दों में है, ये हजरत इनकी तकफीर करते हैं। समय शरीर में मैं आपको बताता हूँ, हादी अलखमसतुल्ला यालम मलक मुकर्रब वला नबी मुस्तफ़ा फमन इद्दा अन्नहु यालम शय मिन हाज़ी फ़क़द कफ़र बिल कुरान, उमूर खमसा के कोई भी कायल है कि नबी इनको जाता पक्का काफिर है, ये इब्न अब्बास का फतवा। तो सऊदी वाले इसमें सख्ती से, तो जो हमारे उलमा मुफस्सिरीन तफसीर पढ़ाते हैं जो इनकी तकफीर करते हैं इनको मुशरिक करार देते हैं उनके मसलक के मुताबिक, उनके मसलक के मुताबिक इनके साथ निकाह की इजाज़त नहीं है। चुनाचे शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अक़दस मौलाना पंचपीरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अक़दस मौलाना ज़रवली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह इनके यहाँ ये पक्के काफिर है मुशरिक है, समझे। हज़रत अक़दस मौलाना ज़रवली आपने देखा कि आखिरी दिनों में जो मैंने ख़ादिम हुसैन रज़वी की थोड़ी सी तारीफ़ की तो मौलाना ज़रवली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने खूब लताड़ा मुझे, समझे। हालाँकि मैं जाता बहुत एहतराम करता कि हमारे सर का ताज आ गए, मुनाज़िर इस्लाम आ गए, हमारे सर का ताज आ गए, बहुत एहतराम, बड़े लोग थे, हम लोग तो छोटे लोग हैं। लेकिन जब इसमें मैंने ख़ादिम हुसैन रज़वी की जब तारीफ़ की तो उस पर हजरत ने जो मेरी ख़बर ली बहुत अच्छी खबर ली, उस ख़बर के बाद फिर एक हफ़्ता भी हजरत ज़िंदा नहीं रहा, इस दुनिया से चले गए। इसके बाद एक हफ़्ता भी ज़िंदा नहीं रहा, वो चले गए, आप समझे। लेकिन मुझे खुशी हुई कि गैरत दीन ही है इसके अंदर, समझे, बहुत खुशी हुई मुझे। और उसके वफात पर जितना सदमा सबको होगा, उनके औलाद को भी होगा, उनके शागिर्दों को भी होगा, मैं उनके शागिर्दों में हूँ, हमारा दर्जा उनके शागिर्दों के बराबर का भी नहीं है, हमें सदमा हो गया। एक गयूर इंसान था, समझे, कभी काले को वो सफ़ेद नहीं कहता था, गयूर आदमी था, बहुत अच्छा की। हजरत अक़दस ने जो उसमें मुझे लताड़ा ना, तो मैं यहाँ से जब गया उसकी जनाजे पर गया, जनाजे पे तो मैं पूरा जुलूस लेकर के गया, इंतज़ाम सारा हमने संभाला उसका इंतज़ाम। बेटा बहुत अच्छा है उसका, तो वो अनवर शाह नाम है, तो बेटा कह रहे थे कि आखिरी दिनों में अब्बा जी कब्र जाने से पहले पहले आपको लताड़ा और हमें बहुत सदमा है कि आप आ गए, हम आपको मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। मैंने कहा गलत बात है, वो तेरा बाप भी था मेरा भी बाप था, बड़ा आदमी था, समझे। मेरे जहन में ये क्या था, मेरे जहन में ये था कि काफिर की खूबी को भी कुरान ने बयान किया है। पाखाना अगर शेखुल हदीस के कपड़ों पे लगेगा पाखाना है, खुशबू अगर आपके कपड़ों पे लगे खुशबू है, काफिर के कपड़ों पे लगे भी खुशबू है। तो काफिरों के बारे में नसारा के बारे में कुरान ने कहा ज़ालिक बिअन्ना मिन क़िस्सीसीन व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, काफिरों में ईसाइयों के अंदर तकब्बुर नहीं है। वैदा सम उनजिल रसूल, और जब ये कि सुनते हैं कुरान को तो तरह आयुन हम तफीज़ मिन दम, आप देखेंगे आयुन हम तफीज़ मिन दम, आप देखेंगे कि उनके आंसू बहते। उनको कहा कि वो रहम दिल है, आप उर्दू समझते हैं जी। मैंने कहा कि काफिर की भी उसकी भी अदम इस्तिकबार आजिज़ी की अल्लाह ने तारीफ़ की है कि ईसाइयों के अंदर उनके अंदर आजिज़ी होती है, उनमें तकब्बुर नहीं होता। तो उस एतबार से मैंने कहा कि इसमें तो अच्छी बात है कि इसने रिसालत की तायद की है, जुलूस निकाला है, वो किया है ख़ादिम हुसैन रज़वी की, लेकिन हज़रत ने मुझे लताड़ा, अच्छा किया,
समझे अच्छा किया। तो बेटा उसका गरीब बहुत परेशान था, कहते कि अब्बा जी ने आखिरी दिनों में भी आपका सत्यानाश किया। मैंने कहा अच्छा किया, मैं इसी का हकदार था, समझे। मैंने कहा अच्छा किया। आपको बात समझ में आ गई नहीं, ये मौलाना। बहरहाल मैंने अर्ज़ किया कि वो आयत मुखसिस है इसके लिए, इस मुशरिकात से मुशरिकातुल अरब मुराद है, बाकी यहूदन नसरानी वो यह है कि मखसूस मिन अलबाज है उनकी। और फिर हज़रत उमर ने मनसूख करार नहीं दिया इसको, यहूदियों के निकाह को, वो छठे पारे में आ जाएगा। यहूदन और नसरानी, हम अपनी बेटी उनको नहीं दे सकते, उनकी ले सकते, ये भी शुक्र है, समझे। तो मनसूख नहीं है, हज़रत उमर ने सिर्फ मौकूफ़ किया और वो भी बहुत अच्छा किया। वला तन कोई मुशरिकात है, मुशरिका से निकाह कर न करो, हत्ता यू मिन जब तक ईमान न लाए, ये हत्ता यू मिन मुतलिक होगा लातन के साथ। वला मतुम मोमिनतुन, फरमाते कि ईमान वाली लोंडी, अलबत्त ईमान वाली लोंडी, खैरुम मिन मुशरिकतिन, वो मुशरिक औरत से बेहतर है। वलो अअजबतकुम हालकौनिहा मुअजिबतन इय्याकुम, अगरचे मुशरिक आपको पसंद भी आ जाए, ये लो अअजबतकुम, ये अल्लाह को भला करिए कि हाल बनेगा मुशरिक से। खैर उम्मी मुशरिकतिन हालकौनिहा मुअजिबतन इय्याकुम, दरा ले कि वो आपको भाती हो। मुशरिक जितनी भी मुशरिक खातून अच्छी लगे तब भी उसे निकाह ना करो। वला तुनकुन मुशरिकीना, और मुशरिकीन को अपनी बेटियों को निकाह ना करो। वला तुनकिहु बनातिकुम अलमुशरिकीना, अपनी बेटियाँ अपनी बहनें मुशरिकीन को न दिया करो। हत्ता यूमिनु, यहाँ तक ही ईमान लाए। वला अब्दु मोमिनुन, ईमान वाला ग़ुलाम खैर उम्मी मुशरिकिन, मुशरिक से अच्छा है। वलो अअजबकुम, दरा हाले कि वो आपको भाता हो और आपको पसंद आता हो, जितना भी हो। तरकीब बिल्कुल आसान है मौलाना। उलाएक यदउने इला नारे, ये जुमले इस्तिनाफी है, यही लोग मुशरिकीन, ये जहन्नम की तरफ दावत देने वाले। वल्लाहु यदउ इलल जन्न, जहन्नम की तरफ का मना ऐसे आमाल की तरफ, शिर्क की तरफ, बिदअत की तरफ आपको दावत देंगे। शिर्क और बिदअत आपको खुद ब खुद जहन्नम में पहुँचाएगा। वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फ़िरत, अल्लाह ताला जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है बिइज़्नि ही, अपने हुक्म से। वयुबय्यिनु आयातिही, का माना वयुबय्यिनु अवामिरहु व नवाहियहु, अल्लाह पाक अवामिर और नवाही को बयान करता है लिन्नास, लोगों के लिए। लिकै यतज़क्करु, ताकि वो नसीहत हासिल करें। इसलिए कि बताया कुल्लु लअल्ल फिल कुरान, भी माना लिखे सिवाय अल्लाह का भला करे, सूरह शोरा के, याद है कि नहीं। लिखे ये तजक करूँ, अल्लाह नसीहत इसलिए करता है, अल्लाह हुक्म इसलिए बयान करता है। लिखे ये तजक करूँ, ताकि ये कि वो नसीहत हासिल, तरकीब उसी तरह करोगे। ला अल्लाह मुशबिल फ़ैल, हम ज़मीर उसका इसम महल मनसूब। यह तजक करूँ, ये फ़ैल व फ़ैल मिल करके पूरा का जुमला महल मरफू होगा, यह खबर बनेगा, समझता है। ताकि नसीहत हासिल करें और मुशरिकात के निकाह से बाज आ जाए। लिखे ये तजक करूँ वयंतहू अन निकाहिल मुशरिकातें, मुशरिकात के निकाह से बाज आ जाएँ। तुसी इत्थे हो या किसी और इलाके विच्चो इत्थे हो, उसके बाद मसला है। मुशरिका से निकाह करना ये हुरमत, हुरमत असली है। और हालत हैज में वती करना ये हुरमत, हुरमत आरजी है। आपकी बीवी है, बीवी है, समझे। लेकिन आरज की वजह से उससे हम बिस्तरी करना हराम। और जैसे हैज ख़त्म हो गया, उसमें टाइम नहीं लगता, हमारी फिकह की किताबों में है, अगर हालत हैज में कोई बीवी के साथ हम बिस्तरी करता और उसको जायज़ समझता, हलाल समझता, तो वो काफिर है। ऐसा नहीं, वो कुफ्र तौबीख ही है, जजर तौबीख के तौर पर तगलीज़ है। उसकी वजह है कि बीवी के साथ अगर हालत हैज़ में अगर गड़बड़ेशन करता है, तो गड़बड़ेशन ये हुरमत, हुरमत है, ये कभी लेन ही नहीं है, ये कभी लगैर ही है, हुरमत आरजी है। इस वजह से इस बंदे को जो है ना काफिर करार नहीं देंगे। बाकी फुकहा ने, मुताखिरी ने लिख दिया, तो वो जजर व तौबीख पर महमूल है। इस मसले को ज़रा अपना फतवा ठीक कर लेना, समझे। तो अब रब्त आपको समझ में आ गया कि मुशरिकात से निकाह करना, मुशरिकात से निकाह करना अल्लाह का भला करें, वो क्या है, हुरमतें जाती है, ये हुरमतें असली। वही सलूना कनिल महीज़े, और आपको हैज़ के बारे में, ये मस्तर मीमी है, हैज़ के बारे में आपसे पूछते हैं। कुल हुआ अज़न, आप ये कह दें कि वो गंद है। कुल हुआ अज़न, वो एक गंद है। इज़ा कालल अमरु कज़ालिक, जब सूरत हाल यही है,
फातजिल उन्निसा फिल महीज, हालत हैज में बीवियों से अलग थलग हो जाओ। मोतज़िला को मोतज़िला इसलिए कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात से अलग थलग है वो। फातजिल उन्निसा फिल महीज, हालत हैज में अलग हो जाओ। वला तक़रबूहुन्ना, उनके करीब भी न जाओ। वला तक़रबूहुन्ना, उनके करीब भी न जाओ। अब आपने देखा, समझे मैं लंगो, फातजिल उन्निसा फिल महीज, और उसके बाद फरमाया कि वला तक़रबूहुन्ना, वला तक़रबूहुन्ना, ये सद्दु ज़राए कहते हैं, उनके करीब भी न जाओ। हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि पाक हो जाएं, उनके करीब न जाओ यहाँ तक कि पाक हो जाएं। अब इजाज़त है, आपने हदीस की करीब का माना हम बिस्तरी नहीं करो, बाकी ये कि साथ सुला दो, यहूद नसार बिल्कुल साथ सुला दो। इस्तिमता बिमा तहतल इज़ार फी सूरत अलजिमा बिल इत्तिफाक हराम, समझते हैं, इस्तिमता बिमा फोकल इज़ार बिल इत्तिफाक जायज़ है। इस्तिमता बिमा तहतल इज़ार बिदून इल्वती इजाज़त है, लेकिन एहतियात यही है कि ना, तीन सूरतें हो गई ना। वला तक़रबून हत्ता यतहुरना, करीब बिन हत्ता यतहुरना मुतालिक वला तक़रबून, फ़ैज़ा ततहरना, जब खूब खूब पाक हो जाए तो फिर फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जब वो पाक हो जाए, ये शर्त, फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो उस तरीके से आ जाओ जहाँ से अल्लाह ने हुक्म दिया है, जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया उस रास्ते से आ जाओ, उस तरह आ जाओ। फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, उस जगह पे आओ कि जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, समझते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को भी महबूब रखता है, लेकिन वह युहिब्बुल मुतहिरीन, उससे ज़्यादा मुतहिरीन को। देखिए इतना तो कह सकता था, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन वल मुतहिरीन, ताइब तो वो है कि कर दिया हालत हेज में हो गया, फिर उसके बाद तौबा कर लिया, अल्लाह का महबूब बन गया, लेकिन जो हालत हैज में कभी गया नहीं, दूर रहता, वो मुतहिर है सबको, सुभान अल्लाह, उसको ज़्यादा है। आपको दोनों बातों में फ़र्क, दोनों में फ़र्क समझ में आया नहीं है। तवाबीन तो वो है कि कर लिया, गलती हो गई और तौबा कर लिया, लेकिन वही हुब्बुल मुतहिरीन, और अल्लाह ताला मुतहिर को महबूब रखता है। अल्लाह ख़ुद ताहिर है, ताहिर को बहुत पसंद करता है। ये जुनबी जो होता है ना, जुनबी जम्ब, ये जंब है, जंब पहलू को कहते हैं। जुनूबी को जुनूबी इसलिए कहते हैं कि रहमत के फरिश्ते, अल्लाह की रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, जो मुस्तकिल जनाबत की हालत में घूमता फिरता है। भाई इनकुन तुम जुनबन, यानी इनकुन तुम एक सैडन इनकुन तुम जुनबन का मतलब क्या है, इनकुन तुम एक सैडन, अगर एक सैड में हो, समझे, फतहरू, जल्दी जल्दी तहारत हासिल करो, बल्कि बग़ैर वज़ू के भी साथ ही घूमें न फिरें, बग़ैर वज़ू के भी नहीं। और अल्लाह सुबहानहू व तआला इला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या मूसा अन तवज़्ज़ा, अल्लाह ने वही भेजी, मूसा हमेशा वज़ू के साथ में रहो। फ़ैन असाबत का मुसीबत उन फ़ला तलूमन इला नफ्सका, अगर मूसा कोई मुसीबत आ गई, मुझे मलामत नहीं करना, खुद ज़िम्मेदार हो। जादू का असर जिन्नात का उस वक़्त आप पर होगा जब आप बेवज़ू होंगे, जादू खुद असर नहीं करता, जादू तो इस्तेमदाद व कलिमात शिरकियत, कलिमात शिरकिया से काम ले लेना। वो जादूगर कुफरी या शिरकी कलिमात लिखता है, लेकिन उनको ठिकाने पे लगाना, मुअस्सिर बनाना, ये जिन्नात का काम है, जिन्नात। और जिन्नात जो है ना, वो खुद इतना डरपोक है कि अल्लाह की पनाह, जैसे कि आपके पास जिन आता है ना, हम कहते हैं तआलो अय्यु अल इख्वान असाबहू जिन्न, इसको जिन आ गया, असाबहू जिन्न, और उनके किसी औरत को जिन्नात की कोई परी बेहोश हो जाती है कभी जिन्नात में से, तो वो कहते हैं असाबहू इंसिजुन, असाबहा इंसिजुन, इसको इंसान चढ़ गया है, हमारा रोब पर पड़ता है, उनका दिमाग भी ख़राब हो जाता है, वो इतने दिलेर लोग नहीं है, बॉर्डर पोक किस्म के, बाद उनमें हैकल देव बड़े होते हैं, लेकिन वो गंदे हैं, गंदी जगहों में होते हैं, तो इस वजह से आदमी वजू नहीं बनाएगा, तहारत हासिल नहीं करेगा, तो उस पर हमला करेंगे। अल्लाह के लिए इस मसले को समझो।
इसलिए एक तवाबी ने कि हालत हेज में गड़बड़ कर लिया, तोबा कर लिया, अल्लाह उसको भी महबूब रखता है। लेकिन मुतहरीन, अल्लाह ताला मुतहरीन यानी इब्तदाई से हालत हेज में जाते ही नहीं है, हालत हेज में गड़बड़ वही बिन मुतहरीन। ये जी तरकीब बिल्कुल आसान है। निसाउकुम हर्सुल्लकुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, समझे, बीवियाँ तुम्हारी खेती है। इन रगब तुम फी हिन्ना, अगर उनके अंदर दिलचस्पी है तो फातू हर सकूँ, अपने खेत में आ जाओ। अन्ना शे तुम कैफे शे तुम, अल्लामा रज़ी शिया है, पक्का शिया, गाली और बदबूदार किस्म का शिया है, लेकिन नहव का इमाम है। अल्लामा रज़ी का कहना यह है कि अन्ना ऐन मकान के माने में कहीं भी कुरान में नहीं आया, इसलिए कैफे शे तुम या मिन अय्यि जिहतिन शे तुम, जिस भी जिहत से। खुलासा ये निकला, एक है आती, बोलो अतायाती इत्यानन, आती हम बिस्तरी करने वाला। दूसरी है मातिया, समझते हैं, और तीसरी चीज़ है माती फी, चौथी चीज़ है माती मिन्हा। आती वो है जिसके पास हो आती आती तो हम मिस्त्री करने वाला, माती यह औरत है और माती फीहा फर्ज है, माती फीहा और माती मिन्हा आगे से भी लगाएं उसी जगह पर, पीछे से लगाएं लेकिन उसी जगह पर, लेटा करके भी उसी जगह पर, बिठा करके भी उसी जगह पर, दाएं करवट पे भी उसी जगह पर, बाएं करवट पे भी उसी जगह पर। खुला से ये निकला तू हाथी है तुझे कौन रोके, बीवी तो तेरी साथी है, समझते हैं, आ जा कर। लेकिन ये है कि माती फी जहाँ पर तू अपने ख्वाहिश को पूरी कर रहा है वो दुबर ना हो बल्कि कुबल हो। किसको समझ में आ गया, ये जी समझते हैं। इसलिए माती फी के अंदर, माती फी में तामीम नहीं है, तामीम माती मिन्हा के अंदर है, जहाँ से आया जाता है आगे से आया जाए उसी जगह पर आ जाए, पीछे से आया जाए उसी जगह पे आ जाए, लिटा कर आ जाए उसी जगह पर, बिठा कर आ जाए उसी जगह पर, खड़ी रख कर उसी जगह पर, बिठा कर उसी जगह पर। कौन तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, इन रगिब तुम फी हिन्ना, अगर आप उनमें दिलचस्पी रखते हैं, फातू हर सकुम अपने खेती में आ जाओ। अन्ना शे तुम कैफ शे तुम फी अय हाल इन शे तुम, जिस हाल में। हाल का मतलब यह है कि मैंने अर्ज़ किया एक आती है हम बिस्तरी करने वाला, औरत मातिया है जिससे हम बिस्तरी की जा रही है, और यह है कि माती फी हाँ वो फ़र्ज वो शर्मगाह की एक ख़ास जगह है, उसमें अल्लाह का भला करिए कि हम बिस्तरी, बाकी माती मिन्हा रास्ते सामने से हो पीछे से हो, बिठा कर लिटा कर खड़ी इस्तजा इस्तिलका ये है, समझे। दुश्मनान साहबा उनके यहाँ वती की इजाज़त है, वती फिर दुबुर की इजाज़त, वो इससे इस्तेदलाल करते और अन्ना शे तुम को लेते हैं ऐन शे तुम, जहाँ भी चाहो जिस जगह पर, चाहे कुबुल में फ़र्ज में या दुबुर में, कुबुल में करो या दुबुर में, इसलिए इनके यहाँ इजाज़त है। दुश्मनान साहबा तो आप समझ गए ना, उनके यहाँ इजाज़त है कि सामने करें कुबुल में फ़र्ज में करें या दुबुर में करें, हमारी तरफ से कोई इख्तलाफ नहीं, करो मलंगो हमारी तरफ से क्या है, क्या इख्तलाफ, हम क्यों मना करेंगे, करो समझे, करो करो अच्छी बात है, पीछे करो आगे करो समझे, लेकिन अपने उन्हीं को करो जो दुश्मना ने साहब है, और जो काफिर मुर्तद उसकी यही सजा है ना, उसके अगले हिस्से को छोड़ो ना पीछे को छोड़ो, समझ रही। लेकिन मैंने आपको बता दिया, अल्लामा रज़ी शिया है, गाली शिया है, राफिजी है, लेकिन वो कहते हैं कि अन्ना ऐन के माने में कहीं आता, कहीं भी नहीं आता कुरान में, कुरान में अन्ना कैफा के माने में, ये ऐन के माने में नहीं है। अन्ना यकून उली गुलाम, कहाँ से मेरे लिए बच्चा होगा, उसका भी तर्जुमा कहाँ से नहीं, बल्कि कहो किस तरह होगा, किस कैफियत में होगा। आपको बात समझ में आ रही है, ये है जी मौलाना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत है कि इमाम मालिक वतीफ़ी दुबुर के कायल है, इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन, समझे। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद मालिकी है,
फरमाते व मालिक उन व असहाबहू मुबर्रऊन मिम्मा कालू फीहिम, इमाम मालिक और उसके साथी ये अल्लाह को भला करिए कि इससे बेजार है। बुखारी में मरजू रिवायतें मरफू नहीं है, मौकूफ़ रिवायतें हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की तरफ निस्बत हो गई है लेकिन ये सनद सही नहीं है। दूसरी जगह पर फरमाए अब यफ़अलु ज़ालिक मुस्लिमुन, क्या ये कोई काम मुसलमान करेगा कि बीवी की दुबर में वती करे। और हरस कहते खेती को, बीज ऐसी ज़मीन में ज़रख़ेज़ ज़मीन में डालो कि जहाँ से फसल आ जाए, और आपके नुतफ़े का जो बीज है, नुतफ़े के इस बीज को अगर दुबर में डालेंगे तो उससे बच्चा पैदा नहीं होगा कुबल में। इसलिए दुबर मौज़ुल हरस नहीं है बल्कि मौज़ुल फरस है। बोलो, दुबर मौज़ुल हरस नहीं है, खेती की जगह नहीं है बल्कि क्या, मौज़ुल फरस, गोबर और पखाना गंद की जगह है। बहुत अच्छी बात है। निसाउकुम हर्सुल्लकुम, हर्सुल्लकुम हर्सुन कायनुल्लकुम खबर बनेगा निसा के लिए। इन रगिबतुम फीहिन्न, अगर बीवियों में तुम्हें दिलचस्पी है फातु हर्सकुम, तो फरमाते हैं कि अपने ये कि खेतों में आ जाओ। कैफ शेतुम अन्ना शेतुम, ये अल्लाह का भला करे, मिन अय्यी जिहतिन शेतुम, ये भी तर्जमा कर सकते हैं। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, यह अन्ना ज़र्फ़ बनेगा ईतू के लिए, समझे फरमा, और शेतुम हाल बने। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और ये वक़द्दिमू मिनल आमालिस सालिहति लिअन्फुसिकुम, नेक अमल करते रहो। वत्तकुल्लाह, और हराम के अंदर पढ़ने से बचो। वत्तकुल्लाह फिल लवातते, फिल वुकूई फिल हराम, वत्तकुल्लाह अनिल वुकूई फिल हराम, हराम के अंदर पढ़ने से बच जाओ। वालमु अन्नकुम मुलाकू, यकीन कर लो कि तुम अल्लाह से मिलोगे। अन्नकुम मुलाकू, क़यामत के दिन आप अल्लाह से मिलेंगे। वबशिरिल मोमिनीन, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद ईमान वालों को, वबशिरिल मोमिनीन बित्तकर्रुब इलल्लाह, अल्लाह के कुर्ब की खुश खबरी मोमिनी को सुना दे। और मोमिनिन कहते, मोमिन उसको कहते हैं, बिजमी मा जा बिह रसूल, नबी जो कुछ लेकर के आया उसको मिन वान तस्लीम करे, सच्चा जाने सच्चा माने, यही मोमिन होता। वला तजअलुल्लाहु उर्ज़ता लियमानकुम अन तबरु वतत्तकु वतुसलहु। मौलाना अब मसला हो गया, बात हो रही है अल्लाह का भला करिए इसकी, निकाह की, निकाह का मसला जमा कहा गया। निकाह के अल्लाह का भला करिए कि निकाह को ख़त्म करने वाले दो चीज़ें हैं निकाह, एक तो इसकी तलाक है, दूसरा मसला अल्लाह का भला करिए, हाँ तलाक है, और दूसरा ये कि शोहर मर जाता है जिहाद में मरे या तभी मौत मरे, चूँकि सूरत जिहाद के एतबार से चल रहा, तभी मौत मरे या जिहाद में मरे। निकाह खुलासा ये निकला, अल जिहादो अल मौतों व तलाको कात्यान लिन्निकाह। बोलो, अलमौतु फिल जिहाद, अलमौतु फिल जिहाद व तलाको कात्यान लिन्निकाह, ये निकाह को ख़त्म कर देते। वती फिर दुबर से निकाह ख़त्म नहीं होगा, हराम है वो हराम है लेकिन निकाह उससे ख़त्म नहीं होगा। आप बात समझे, मौत फिल जिहाद और अल्लाह का भला करे तलाक कात्यान लिन्निकाह। अब तलाक इला के अंदर बात सूरत में पड़ता है, बीवी से कहता है वल्लाहि ला अक़रबुकी बाद हाज़ल यौम, आज के बाद मैं आपके करीब नहीं आऊँगा। अब अगर चार महीना दस दिन चार महीने जब गुजर जाते हैं, ऑटोमेटिक हनफिया के यहाँ जब कसम उठाए ये इला इस्तेलाही है, चार महीने के बाद बीवी उससे जुदा होगी। शाफिया के यहाँ इनके यहाँ ये होगा कि काजी चार महीने गुजरने के बाद काजी बीवी और शोहर के दरमियान में तफरीक करेगा, ये इला है। खुलासा ये निकला कि इला के अंदर कसम है वल्लाहि ला अक़रबु के, खुदा की कसम मैं तेरे करीब नहीं आ जाऊँगा, आपको हाथ नहीं लगाऊँगा, आपके साथ हम बिस्तरी नहीं करूँगा। आप लोग उर्दू समझते ये जी, तो इला में भी बात सूरत में तलाक पड़ जाती है, तो तलाक भी राफ़ उन निकाह है, जिस तरीके पर अल्लाह आपका भला करे जिहाद और मौत राफ़ उन निकाह है, मौत से भी आदमी का निकाह तो ख़त्म हो जाता है। आपको मसला समझ में आ गया। अब चूंकि कसम इसमें इला के अंदर इला कसम है, इसलिए कसम के मसले को बयान किया, और कसम की दो सूरतें, बाद लोग कसम बनाते हैं, कसम उठाते हैं नेकी पर उभारने के लिए, नेकी के लिए, और बाद नेकी को अल्लाह के नाम को गलत इस्तेमाल करके, अल्लाह की कसम कि मैं शाहिद से बात नहीं करूँगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम को मैंने रुकावट बनाया कि खुदा की कसम मैं उठा करके कह रहा हूँ शाहिद से बात नहीं करूँगा। ये मसला समझा रहा हूँ, ऐसा ना कि शायद समझ, आप समझे, तो अरे जालिम शायद के साथ बात करना, उसको खिलाना उसको पिलाना, अखलाक से पेश आना, ये नेकी है,
और तू अल्लाह की कसम उठा करके अल्लाह के नाम को रुकावट बना रहा है, अल्लाह के नाम को रुकावट बना रहे नेकियों के सामने कि मैं इसको न खिलाऊंगा न पिलाऊंगा, खुदा की कसम ये मुझसे नहीं होगा। आया अब चलो, वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन, आप ये कर दें कि उर्ज़तन का अल्लाह आपका भला करिए कि तर्जुमा कर दें मानेअन, समझे, और निशाना से तर्जुमा कर, और ज़तन अल्लाह के नाम को निशाना न बनाओ, ले ऐमानिकुम अपने कसमों के लिए, या कहो आरिज़न ले ऐमानिकुम अपने कसम तुम्हारा क्या है, अल्लाह तबर्रु वला तत्तकू वला तुसलहु बैनन्नास, यहाँ पर ला मुकद्दर है, अल्लाह तबर्रु वला तत्तकू वला तुसलहु बैनन्नास, खुदा के नाम को रुकावट न बनाओ अपने कसमों के लिए, कौन सा कसम, ले ऐमानिकुम मुबदल बिनो, इसको हटा दो, वो ये उर्ज़तन मानियन अल्लाह तबर्रु अल कि तुम नेकी नहीं करोगे, वला तत्तकू तकवा इख्तियार नहीं करोगे, वला तुसलहू बैनन्नास लोगों के दरमियान में झगड़ों में सुलह भी नहीं करोगे, अल्लाह के लिए अल्लाह के नाम को इस तरह गलत इस्तेमाल न करो। अरे नेकी करना अच्छा है, तकवा को इख्तियार करना अच्छा है, और सुलह बैनन्नास अच्छा है, तुम इसके लिए अल्लाह को तुमने निशाना बना दिया और रुकावट बना दी, किसको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान तरीका है, मुबदल मिनों को आप हटाएंगे, बदल को उसकी जगह पर रखेंगे, वला तजअलुल्लाह मानियन वहाजिजन, अल्लाह ताला के नाम को माने और हाजिज़ न बनाओ, हमारे उर्दू वाले कहते कि निशाना, समझे भैया, फरमाते हैं वला तजअलुल्लाह आरिज़न व मानियन, इसको आरिज़ और माने न बनाओ, ले ऐमानिकुम अपने कसमों का निशाना न मत न बनाओ, अपने अब ऐमान को हटा दो, वे अल्लाह तबर्रु वला तत्तकू वला तुसलहु बैनन्नास, हो गया, अल्लाह तबर्रु वला तत्तकू वला तुसलहु बैनन्नास, बैनन्नास ज़र्फ़ है तुसलहु के लिए, ये बदल बन गए ऐमानिकुम से, और ऐमानिकुम अल्लाह का वला कर मुतालिक अल्लाह तजलू के साथ, फला तो गड़गिड़ू गुड़गुड़ न करो। दूसरा ये है ला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लि ऐमानिकुम अन अंतबर्रु अपने कसमों के लिए, ला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लि ऐमानिकुम अन अंतबर्रु यानि अनिल बिर्रे वत्तक्वा वल इस्लाह बैनन्नास, तकवा और इस्लाह बैनन्नास और इन कसमों के लिए अल्लाह का भला करे माने न बना दो, अन अंतबर्रु कि तुम नेकी नहीं करोगे, अन आगे तो रू गर्दानी के माने में होगा, अन अंतबर्रु अनिल बिर्रे वत्तक्वा वल इस्लाह बैनन्नास, इन चीज़ों के लिए अल्लाह के नाम को माने और रुकावट न बना दो, अनिल बिर्रे वत्तक्वा वल इस्लाह बैनन्नास, हो गया, ये करो आपकी मर्जी है, वल्लाहु समीउन बि ऐमानिकुम खुदा तुम्हारी कसमों को भी सुनता है, और अलीमुन बि नियातिकुम तुम्हारी नीयतों को भी जानता है, समझे, अबू बकर हजरत मिस्तह रज़ी अल्लाह ताला ने को सदका देता था, उनके अजीज़ थे, और जब यह सैलाब चला तूफ़ान चला, अम्मा आयशा के ख़िलाफ़ जब तूफ़ान खड़ा हो गया और उसके अंदर हजरत हसन भी बह गया, अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन उस खबीस के नरगों में सीधे साधे मुसलमान भी आ गए, हजरत हसन भी उसमें बह गया, और हजरत मिस्तह रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर के अजीज़ थे वो भी बह गए, हज़रत अबू बकर को पता चल गया, फरमाए जो मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगे उस इल्ज़ाम को जो लोग फैलाएं मिस्ता मैं उसको सदका दे दूँ, अभी कसम है मुझे एक रुपये भी नहीं दूँगा इसको, समझते हैं, तो सूरह नूर में कुरान ने कहा वला यातल उलुल फजल मिनकुम जो तुम में से मालदार है फजल माल है जो मालदार लोग हैं वो इस पर ला यातल कसम न उठाएं अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह कि यतीमों को मिस्कीनों को वो कुछ नहीं देगा, कसम उठा भाई कसम उठाओ कि दूंगा नेकी का कम है और तू कसम उठा रहे कि नहीं दूंगा, फरमाए अला तुहिब्बून अन यग़फिर अल्लाहु लकुम आप चाहते नहीं कि अल्लाह आपको आपकी मग़फ़िरत कर दें, हज़रत अबू बकर ने फरमाया बला बला क्यों नहीं मैं चाहता हूँ, फिर उसके बाद फरमाया कि खुदा की कसम ला अनज़िहु अहा अनहु अबदा ये जो मेरे नफ़कात है क़यामत तक जब तक जिंदा इसे नहीं रोकूँगा, मुझसे गलती होगी लिहाजा अपने कफ़ार अपने यमीन का कफ़ार दे दे, और यमीन का कफ़ार वही है सातवें पारे में फ़कफ़ारत फ़कफ़ारत
عشرت مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ہو گیا یہ حضرت ابو بکر حانس ہو گئے. میرے نبی نے خود بھی فرمایا کہ کبھی میں جوش میں آ کر کے کبھی میں قسم اٹھاتا ہوں کسی مسئلے میں, بعد میں میں دیکھتا ہوں کہ اس کے خلاف میں اچھا ہے, میں نے قسم اٹھائے پابندی کی, میں محمد رسول اللہ اس کام کو کرتا ہوں, حانس ہو کر کے میں اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں. آپ نے قسم اٹھایا کہ شہد نہیں پیوں گا, آپ نے قسم اٹھایا کہ میں شہد نہیں پیوں گا, تو شہد کو تو اللہ نے حلال قرار دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے, اس لیے فرمایا قد فرض اللہ تحلت ایمانکم. اس کی بنیادی وجہ ہے کیا ہے؟ تحریم الحلال یمین. بولو تحریم الحلال, شہد تو حلال ہے, تحریم الحلال یمین, یہ یمین ہے, اس کو یمین قرار دے کر کے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, قسم کا کفارہ دے دو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ ہو اور آپ کو اجازت ہو. اس کے بعد مسئلہ ہے, اللہ کی قسم واللہ باللہ تاللہ اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. یا ایک آدمی کہتے ہیں اللہ کی قسم کل میں نے سبق نہیں پڑھایا تھا, اور وہ غریب سمجھ بھی رہا ہے کہ واقعتاً نہیں پڑھا ہے, اس کے ذہن میں یہی یہ یمین لغو ہے, اس پر کچھ بھی نہیں. ایک تو جیسے ہمارا تکیہ کلام واللہ باللہ تاللہ ثم تاللہ باللہ باللہ کوئی توجہ نہیں ہوتی, یہ یمین لغو ہے. دوسرا یہ بھی یمین لغو کے اندر داخل ہے, یمین لغو کے اندر داخل, اللہ کی قسم راشد سومرو نہیں آیا تھا کراچی, میں اپنے دانش کے مجھے پتہ نہیں تھا, آج آپ لوگوں نے بتایا, میں کہتا ہوں نہیں اللہ کی قسم وہ نہیں آئے, جبکہ وہ آ کر کے اسلام فتح کر کے واپس چلے گی. آئے سمجھ میں, یمین لغوی ہو گیا, اللہ کی قسم حضرت نہیں آئے تھے جبکہ حضرت آ گیا تھا. یمین غموس سمجھے, یمین غموس میں جانتے ہوئے قسم اٹھانا, خدا کی قسم اس کو پتا ہے کہ حضرت آ گیا تھا سمجھے, پھر بھی کہتے خدا کی قسم نہیں آیا تھا, پتا ہے خدا کی قسم نہیں آیا تھا, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. مولوی منظور پتا ہے کہ اس کے اندر جامع صدیق ہے, اللہ کی قسم جامع صدیق میں نہیں ہے, یہ یمین غموس ہے. غمس کا معنی ڈبونا, اپنے ہاتھوں کو پانی کے اندر خون کے اندر گند کے اندر ڈبونا, یہ جہنم میں یہ آدمی ڈوب جائے گا. اس کا کفارہ یمین غموس کا بھی نہیں ہے اور یمین لغو کا بھی نہیں. تیسرا یمین منعقدہ, یمین منعقدہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں جمعیت کے ساتھ دوں گا, نہیں دوں گا تو حانس ہو جاؤں گا, میں جمعیت کے ساتھ دے دوں گا, میں تبلیغی جماعت کے ساتھ دے دوں گا, میں علماء کے ساتھ دے دوں گا, آئندہ جو میری زندگی اچھی بات ہے. یمین اس یمین میں اللہ کا, اور یمین منعقدہ میں اگر آپ بری ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ حانس ہوتے ہیں تو پھر کفارہ ہوگا. فکفارتو اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام. ہو گیا مولانا, خیال کر لینا. لا یؤاخذکم, یہ تمہید ہے سب ایلا کے لیے, ایلا کے اندر بھی قسم ہوتا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, یعنی بے توجہ قسموں پر اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا. فی ایمانکم یہ لغو کے ساتھ متعلق ہے, اور باللغو یؤاخذو کے ساتھ. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, تمہارے یمین کے اندر جو لغو ہے یعنی بے توجہی والی قسم, بے توجہی والی قسم, اس پر اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت ہو قلوبکم, آپ نے پڑھا ہے, لیکن اللہ گرفت کر دے گا بما اس قسم پر کہ قسم ہو قلوبکم, جس کا ارتکاب آپ کے دل نے کیا ہے, یعنی آپ نے دل سے نیت کر لی اس کی سمجھے. اور وہ بھی واللہ غفور, اللہ تعالیٰ غفور ہے. لایمانکم باللغو, جو یمین لغو اس پر اللہ بخش دے گا. اور حلیم, اللہ تعالیٰ یہ کہ بردبار ذات ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرتا. اب ایلا کا مسئلہ آ گیا. میں نے عرض کیا ایک ایلا لغوی ہے جو بخاری مسلم ترمیزی وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ایک مہینہ تمہارے قریب نہیں آیا جاؤں گا, بیویوں سے کہا ایک مہینہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں 29 دن رہے, 29 دن کے بعد نیچے آ گئے, کہا یا رسول اللہ 30 دن پورے نہیں ہوں گے, آپ تو حانس ہو گئے. فرمایا کہ نہیں, کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے,
महीने महीने का कहा था, महीना पूरा हो गया, महीना 29 का भी होता है, वो यमीन लगवी है, समझे। लेकिन दूसरा ये है कि यमीन इसमें वो इलाई लगवी है, इलाई इस्तिलाही ला अकरबो के, मैं आपके करीब नहीं आऊँगा, शहरन शहरन नहीं है, ला अकरबो के। अब चार महीने अगर गुजर जाते हैं तो चार महीने के अंदर अगर आ जाता तो हानिस होगा, कफ़ारा दे देगा। और अगर चार महीने गुजर जाए, चार महीने तक बीवी की तरफ रुजू न करें, ऑटोमेटिक तौर पर बीवी जुदा हो जाएगी हमारे यहाँ। और शाफिया के यहाँ ये है कि नहीं, चार महीने के बाद काजी कहेगा कि या अल्लाह हानिस हो जा, या ये है कि तलाक दे दे इसको, समझते, तलाक काजी दे देगा। लिल्लदीन यूलून मिन निसाइहिम, जो अपनी बीवियों से ईला करते हैं, यानी बाज रहने की कसम उठाते कि तुम्हारे लिल्लदीन यूलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अरबाति अशहर, इंतज़ार चार महीने का है। फइन फाउ फिल अरबातिल अशहर, अगर चार महीने के अंदर अगर वो रुजू करें तो यग़फिरुल्लाहु लहुम, अल्लाह उनको बख्श देगा, माफ़ कर देगा। फइन्नल्लाह गफूरुन, अल्लाह तुम्हारे कसमों को बख्शता है, और रहीमुम बिकुम, और अल्लाह ताला तुम पर रहीम भी है, इसलिए कफ़ारा भी तुम्हारे लिए। लिल्लदीन यूलून मिन निसाइहिम, यूलून के साथ मुतालिक है, और लिल्लदीन जार मजरूर, ये होगा साबितुन कायनु खबर मुकद्दम, और तरब्बुसु अरबाति अशहर मुबतदा मुअख्खर है मौलाना। फ़ैन फाउ फिल अरबातिल अशहर, अगर चार महीने के अंदर रुजू कर दें, यह हो गया शर्त। फ़ैन फाउ फिल अरबातिल अशहर, अगर चार महीने के अंदर अगर रुजू कर लें, हानिस हो जाएगा, बीवी उस पर हराम नहीं होगी, यग़फिरुल्लाहु लहुम, अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, समझे। फ़ैन फाउ अगर ये फ़ैन्नल्लाह गफूर, वैन अज़मुत्तलाक़ा, और अगर तलाक का इरादा रखते हैं तो फरमाते कि फ़ैन अज़मुत्तलाक़ा फल यू के ऊपर चाहिए कि तलाक दे दें, इसका जवाब मौज़ूफ़ है। वही नज़म व तलाक़, और अगर तलाक के इरादा करते हैं और रुजू नहीं करते, यानी बितर के रुजू फिल अरबातिल अशहर, चार महीने के अंदर यह कि रुजू नहीं करता, तलाक का उसने इरादा कर दिया, तो फल यू कि ऊ हो बस चाहिए कि तलाक डाल दें, शाफिया के यहाँ तलाक दे दें। हमारे यहाँ खुद ब खुद फ़ैन अज़म उत्तलाक यानी बितर किल रुजू फिल अरबातिल अशहर, चार महीने के अंदर अगर रुजू नहीं करता, यका उत्तलाक हो तो तलाक पड़ जाएगी हमारे यहाँ जज़ाइए। फ़ैन्नल्लाह समीउन ले अकवालिकुम, खुदा तुम्हारे, या फ़ैन्नल्लाह समीउन ले तलाकिकुम, तुम्हारे तलाक के अल्फाज भी अल्लाह सुनता, अलीमुम भी नियातिकुम, खुदा ताला तुम्हारी नीयतों को भी जानता। अब हो गया तलाक, ईला से बात सूरत में, इसी से सीगा आएगा मूली अलैया, हमज़ा सानी साकिन और हमज़ा अवल मफ्तू है, लिहाजा दूसरे को अलिफ से बदल देंगे, अलैया होगा, या मुतहरिक माकुल मफ्तू यहाँ को अलिफ से बदल होगा, आला यूली ईला, असल में अलैया यूलियो एलिया ईलान, तो आला यूली ईला। इसम फ़ाइल से क्या आएगा, मूली और मौलवी दोनों एक है, बोलो, मूली और मौलवी ये दोनों के दोनों एक है। मूली खाने को हज़म करती है लेकिन खुद हज़म नहीं होता, बहुत देर से हज़म हो जाती है। मौलवी दूसरों को अमल कराता है लेकिन खुद देर से अमल करता है, ज़ाहिर अपनी तकरीरों पर वो अमल नहीं करता। वल मुतल्लक़ात यतरब्बसन बि अन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू, और तलाक याफ्ता औरतें यतरब्बसन बि अन्फुसिहिन्न, वो रोके रखेंगे, इंतज़ार करेंगे, अपनी ज़ात को रोके रखेंगे तीन माहवारियों के बाद फिर वो पाक हो जाती है। अगर बीवी मदखूल ब्याह है, बीवी अगर मदखूल ब्याह है तो ज़ाहिर है आपने उसको तलाक दे दी, बशर्ते कि आज़ाद है, लोंडी नहीं है। लोंडी की तलाक दो है, सलासत कुरू नहीं है बल्कि करआन है, दो अल्लाह का भला करिए कि उसकी हैज़ें हैं। बाकी आज़ाद औरत है, मदखूल ब्याह है, रुख्सती हो चुकी है, उसको तलाक आपने दी तो फिर मसला क्या होगा, तीन महीने उसके लिए, आया मसला समझ। लेकिन अगर बीवी आपकी छोटी बच्ची थी, निकाह हो गया, उसको आपने तलाक दे दिया तो अल्लाह आपका भला करिए कि क्या है, तीन महीने नहीं, सलासत करूँ तीन माहवारियाँ। अगर छोटी बच्ची है तो उसको हैज़ आता ही नहीं है, माहवारियाँ उसको नहीं आती, तो उसके लिए तीन महीने, सलासत करूँ का मना तीन हैज़,
है मुस्लिम, लिहाजा बच्ची इससे मुस्तसना है। या बूढ़ी है, बूढ़ी औरत को अल्लाह का भला करे उसको हैज़ नहीं आती, आयस वल्लाई या इसने मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इरतबतुम फ़इद्दतुहुन्न सलासतु अशहरिन, अब असल पर सलासतु कुरू पर अमल नहीं हो सकता तो नरजू इलल खलफ़, खलफ़ की तरफ जाएंगे, लिहाजा अल्लाह का और 3 महीने होंगे। आप उर्दू समझते नहीं समझते, वो इससे अल्लाह का भला करिए कि क्या है अजायज़ बूढ़ी औरतें, छोटी औरतें, या वो औरतें कि जो बिल्कुल मायूस है उनको हैज़ नहीं आता, उनके लिए 3 महीना होगा। और आपकी फ़िका का कायदा ये है कि अल्लाह का भला करे हकीकत पर अमल होगा, अगर हकीकत पर अमल मुतज़र हो तो फिर सैरूरत इलल मजाज़ है और खलफ़ सैरूरत इलल खलफ़ है। ये महीन ये मकान मेरा ले ले 3 महीने किराए पर, अगर 3 महीना चांद के इब्तिदा से मैंने आपको दे दिया तो चांद के हिसाब से अगर 29 के महीने होंगे तब भी आपके लिए यही होगा। और अगर अल्लाह आपका भला करिए कि आपने महीने के दरमियान में किराए पर लिया तो अब 3 महीने 90 दिन होंगे, 30 30 30 30 30 30 हिसाब करेंगे, अब हम 3 महीने पूरा नहीं कर सकते, हालांकि महीना 29 का भी होता है। तुसी इत्थे हो या किसी और इलाके विचो, इत्थे है ना, एह जने दा पुत्रिया। खुलासे ये निकला, ये आयत मखसूस मिन हलबाज है, बूढ़ियाँ मायूस औरतें, बूढ़ियाँ ऐसे मायूस और बच्चियाँ जिनके बचपन में निकाह हो जाता है, शोहर ने अगर तलाक दे दी तो उनके लिए 3 महीने, उनके लिए 3 कुरू नहीं है। बाकी कुरू से हैज़ मुराद है या तुहर मुराद है वो तो आप पढ़ते रहते किताबों में। खुलासे ये निकला कि आयत क्या है, मखसूस मिन हलबाज है, कद खुसत मिनहा अल अजाइज़ो व सगाइरो, बोलो अल अजाइज़ो व सगाइरो वगैर अल मदखूल बिहा, और जिन औरत के साथ रुख्सती नहीं हुई है, आपने निकाह किया ठीक ठाक किस्म के देते हो गोरा दसंग इस्पीना ना दा दा इस्पीना दे, आपने इसके साथ निकाह किया, निकाह करने के बाद रुख्सती नहीं हुई, आपने इसको तलाक दे दिए, तलाक दे दिए तो इसके लिए तो कोई इद्दत ही नहीं है। फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा, कोई इद्दत नहीं इसके लिए। आज आपने उसको तलाक दे दी, गैर मदखूल भी है, रुख्सती नहीं हुई है, उसकी मर्जी है, वो जाकर के ईसा खान से निकाह करे या मूसा खान से या मोहम्मद खान या अहमद खान या रहीम दाद या करीम दाद या अता मोहम्मद या फतेह मोहम्मद, उसकी मर्जी है। तुसी इत्ते हो या किसी और इलाके बिचो, होना से ये निकला आयत मखसूस मिन हलबाज है, आयत में तख्सीस हो गई, फला तो गड़गिड़ू लिहाजा गुड़गुड़ ना करो। वल मुतलकात ये तरबसन भी अनफुसिन सलासत कुरू, यह तरबसन ये खबर है, मुतलकात मुब्तदा हो गया। वला यहिल्लु लहुन, औरतों के लिए जायज़ नहीं है, अन यक्तुमन कि वो छुपा डाले, माँ उस बच्चे के मसले को या हैज़ को, उस हैज़ को कि खलकहुल्लाह फी अरहामिहिन, अल्लाह ने उनके रहम के अंदर जो चीज़ रखी है पैदा की है, औरतों के लिए जायज़ नहीं है कि उनको छुपा डाले। इन कुन्न युमिन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, अगर उनका अल्लाह और आखिरत पर ईमान हो, व बुउलतुन अहक्कु बिरद्दिहिन, उनके शोहर उन औरतों को लौटाने का ज़्यादा हक रखते हैं, वो उनके शोहर उनको लौटाने का ज़्यादा हक रखते हैं, फ़ी ज़ालिक इद्दत के दौरान, इद्दत के दौरान वो ज़्यादा हक रखते हैं, इन अरादु इस्लाह, अगर ये कि वो इस्लाह चाहते हों, अगर शोहर बेहतर हालत बनाना चाह रहा हो। वलहुन्न, औरतों के लिए मिसलुल्लदी, इतना हक है, अल्लदी अलैहिन्न, जितना हक औरतों पर मर्दों के लिए, इतना हक औरतों के लिए बिलमारूफ़ दस्तूर के मुताबिक, लेकिन वली रिजाल अलैहिन्न दरजतुन, लेकिन मर्दों के लिए अल्लाह का भला करें, औरतों के ऊपर, औरतों के ऊपर यह कि ज़्यादा भी कुछ एक दरजा ज़्यादा उन पर यह कि फजीलत है, वो ज़्यादा फजीलत क्या है, मर्द नबी बनेंगे, सारे घर के ये कि बागडोर मर्द के हाथ में होगा, यानी इन्नर ये जो इन्नर रिजाल अकरमो अलैहिन्न, वो ज़्यादा अल्लाह का भला कर मसला। दूसरा मसला यह कि इन्फाक मिन्फाक का मसला औरत के, तीसरा मसला यह कि अत्तलाक लिमन रफा साख, अत्तलाक लिमन रफा साख, हमारी जमहूरियत में अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ कि एक बिल हम पास करेंगे जिसमें औरतों को भी हक होने चाहिए तलाक देने के लिए। हालांकि कानून अरब का क्या है, अत्तलाक, बोलो अत्तलाक, अत्तलाक लिमन रफा साख, वो किसी मौलवी से इसका तर्जमा पूछ लेना। इन्फाक है और दीगर
वलहुन्न और औरतों के लिए मिसलुल हक्की लदी अलैहिन्न जो हक औरतों पर लाजिम है मर्दों के लिए फरमाते हैं कि औरतों के लिए बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक औरतों का भी हक मर्दों पर बनता है वाले रिजाल अलैहिन्न वाले रिजाल अलैहिन्न लेकिन मर्दों के लिए अल्लाह का भला करिए कि मर्दों को अलैहिन्न औरतों पर दरजतन एक बरतरी हासिल है एक दरज एक बरतरी हासिल है वल्लाहु अज़ीज़ुन खुदा ताला कादिर मुतलक है जो उसके हुक्म की मुखालफत करता है अज़ीज़ुन लिमन युखालिफु अमरहु अल्लाह के अमर की जो मुखालफत करेगा अल्लाह उसको पकड़ेगा और हकीमुन ये जितने अहकाम तलाक के हैं और इसके निकाह के ये हिकमत से कोई भी इनमें से खाली नहीं है सब के अंदर हिकमत है सबको सुभान अल्लाह समझते हैं। अरे कुछ पल पढ़ा मर्द की जो जिम्मेदारियां हैं जो मर्द के जिम्मेदारियां हैं वही औरत के हुकूक है पैसा लाना खाना लाना खर्चा लाना घर का इंतज़ाम करना बाहर का सारा मसला जो मर्द के जिम्मेदारियां हैं यही औरतों के हुकूक है और औरत की जो जिम्मेदारियां हैं वही मर्द के हुकूक है। घर में किसी कारी साहब को न बुलाए घर में किसी कारी साहब से ट्यूशन न पढ़ाए घर में किसी और को आने न दें अपनी इज्जत की हिफाजत करें घर की हिफाजत करें शोहर के माल जान की उसकी हिफाजत करें औलाद की भी हिफाजत करें समझे हाफिजातु लिलगैब बिमा हाफिज़ल्लाह शोहर की अदम मौजूदगी में जो अल्लाह ने उसकी जो हिफाजत की जिम्मेदारी औरत की ली है वो अपने शोहर की भी हिफाजत करे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कानून उसका यही है जो मर्द की जिम्मेदारियाँ वही औरत के हुकूक है जो औरत की जिम्मेदारियाँ वो मर्द के हुकूक है। गली ख़त्म हो गया और क्या तुसी इत्थे हो या किसी और इलाके विच्चों इत्थे है ना हाँ जी। दूसरा मसला ये जब कुरान कहेगा ला यहिल्लु लहुन्न ये हलाल नहीं है तो हलाल नहीं है तो हराम है ना। औरतों के लिए हलाल नहीं है कि जो कुछ उनके भाई औरत को आपने दे दी तलाक तो तीन कुरू बोलो तीन हैज़ों का तीन हैज़ गुजर जाएंगे इद्दत पूरी हो जाएगी अब वो दूसरी जगह निकाह करें तो तीन हैज़ों में तीन महीने लगते हैं तीन हैज़ों में तीन महीने लगते समझ रही हूँ लेकिन औरत आ गई औरत आकर के अल्लाह का भला करिए कि क्या है 35-36 दिन में 32 दिन में वो कहती है कि मेरी हैज़ तीन माहवारी है मुझे आ गई। बुखारी शरीफ में इस किस्म की मिसाल है 30-40 दिन के अंदर तीन महीने नहीं हो गए 30-35-40 दिन के अंदर तीन माहवारियाँ पूरी हो गई तो आप क्या करेंगे तलाश करेंगे उसको जब भी उसको हैज आएगा आपको पता चलेगा तो ये चीज़ तो छुपी हुई उससे उसका ताल्लुक है। अब वो ख़ुद कहती है कि जी मेरे और 35-40 दिन के तीन माहवारियों की मिसालें बुखारी में है बहुत जिन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ी है उनको पता भी है समझे। अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ हलाल नहीं है इसका मतलब क्या है हराम माना यह कि जो उसके रहम में औलाद का मसला है कभी ये होता है कि तीन माहवारियों के दौरान बच्चा पेट में आता है तो खुदा वास्ते चोरी छुपके से जा करके डॉक्टर से तो न गिराएं उसको कि इसको गिराओ अब दूसरे से जाकर मैं निकाह करूँगी। जाहिर है कि जब तीन माहवारियों के दौरान उसके पेट में हमल आ गया तो अब तीन माहवारियों से काम नहीं चलेगा तीन माहवारियों को हम इंतज़ार कर रहे थे हमल जब ठहर गया तो अब उसकी इद्दत शिफ्ट हो जाएगी मुंतकिल हो जाएगी किससे अब सलासत कुरु से सलासत कुरु नहीं हो गया जब हमल ठहर हो गया तो वजह हमल ही होगा। तो ये कि अया शोहर ने हम बिस्तरी करके उसको तलाक दी उसके हैज़ क्या है हैज़ आएगा या ये कि हमल ठहर गया ये चीज़ें तो वो जानती है ना तो औरतों के लिए हलाल नहीं है। खुदा तरसी रखे ला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन फ़ील मफ़ाइल मा ख़लक़हुल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्न ख़लक़ के साथ मुतालिक मौसूल सिला यक्तुमन के लिए मफ़ूल होंगे और अन यक्तुमन बतावील मसदर ये फ़ाइल बनेगा ला यहिल्लु के लिए। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब अल्लाह आपका भला करिए कि हिल की जब नफ़ी कर दी नफ़ीुल हिल यस्तलज़िमु तहरीमा बोलो नफ़ीुल हिल यस्तलज़िमु तहरीमा हुरमत खुद ब खुद साबित हो जाएगी ला तहिल्लु लहु हत्ता तनकिह ज़ौजन ग़ैरह अगर शोहर सानी ने तलाक दे दी शोहर अव्वल ने तलाक दे दी तीन तलाकें दे दी फला तहिल्लु लहु उसके लिए हलाल नहीं हत्ता तनकिह ज़ौजन ग़ैर अल अव्वल शोहर अव्वल के अलावा किसी और से निकाह करे और निकाह करके उसके साथ हम बिस्तरी करें उसको तलाक दे दें इद्दत गुजर जाए फिर शोहर अव्वल के लिए
फला तहल्लु लहू हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। अब शोहर अव्वल के लिए हलाल नहीं है, वो तजदीद निकाह नहीं कर सकता, माना हराम है। तो ला तहल्लु ला क्या है, खुद ब खुद हुरमत है। नफ़ी हिल या हिल्लत की नफ़ी होगी तो खुद ब खुद अल्लाह आपका भला करे, क्या है हिल्लत की जहाँ पर नफ़ी होगी खुद ब खुद हुरमत आ जाएगी। तू मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे तो सीते हो या किसी और इलाके में। अब यहाँ तरकीब ज़रा मुश्किल, वला यहल लहुन्ना यक्तुमन्ना मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना, ये हो गया इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर। ये जुमला मोतरज़ शर्त है, लेकिन माँ कब्र इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर, अगर औरतों का ईमान अल्लाह और आखिरत पर ये शर्त है, फला यहल लहुन्ना अन यक्तुमन्ना मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना मा कबल दलाल अल जज़ा। फिर आगे मौलाना एक तलाक दे दी, एक तलाक दे दी, तीन माहवारियों के दौरान, तीन माहवारियाँ पूरी हो जाएंगे तो रजिया बाइना बन जाएगी, लेकिन जब तक इद्दत पूरी नहीं हुई, शोहर कहते मैंने रुजू कर लिया उसे पपी ले लिया या अपने साथ सीने से लगा लिया, खुद ब खुद इल्लत साबित हो गई। और अगर बीवी छोड़ती मोड़ती नहीं है दूर से कि मुझे एक तलाक दी, मेरी हैसियत भी कोई नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मुझे एक तलाक क्यों दी, इद्दत गुजरे ना गुजरे इसके पास नहीं जाऊँ, तो जाप जी नहीं सकते, पपी नहीं ले सकते, तो कैसे रुजू करेंगे। फिर यह कि दो मेरे जैसे सच्चे लोगों को गवाह बना दो गवाह बना दो कि ए बुगटी ए महबूब खान ए वडे रजो पुत्र, तुम लोग गवाह रहो कि मैं मजलूम शोहर हूँ, रुजू करना चाह रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं रही है, बस तुम लोग गवाह बनो, तीन माहवारियाँ पूरी नहीं हुई, मैंने रुजू कर लिया, बस हो गया रुजू। समझते हैं, मजलूमों के लिए खसूसी पैकेज, बोलो मजलूमों के लिए क्या खसूसी पैकेज शरीयत ने आपके लिए ये रखी। एक औरत ने कहा मर्द 70-70 हूर ले सकते हैं, हम भी 70-70 शोहर ले लेंगे, हम भी जन्नत में पसंद करेंगे 70-70 शोहर। एक मजलूम शोहर उठा, कहने लगे नहीं ये पैकेज सिर्फ मजलूमों के लिए, बोलो उसने क्या कहा कि ये पैकेज सिर्फ किसके लिए, मजलूमों के लिए, कि मजलूम अल्लाह आपका भला करे हम हैं जो तुम हमें जूते मारती हो, समझे, और फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला जो है ना ये हमारे साथ रियायत करेंगे, 70-70 हूर देंगे। आपको इख्तियार नहीं होगा कि जिस शोहर को जिस इंसान को पसंद करो, नहीं, ये मजलूमों के लिए जो दुनिया के अंदर मजलूम रहे। और ख़ास तौर पर हमारे हजरत फरमाते थे शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान, जिनकी दो बीवियाँ हैं, तीन हैं, चार हैं, वो मजलूम होंगे, वो सीधा जन्नत जाएंगे। जिनकी दो बीवियाँ, तीन बीवियाँ, चार बीवियाँ, वो क्या करेंगे, सीधा जन्नत जाएंगे, समझे, अल्लाह ताला कहेंगे तुम जन्नत जाओ। और जिनकी एक एक बीवियाँ वो जहन्नम में जाएं, जिनकी एक एक बीवियाँ थी दुनिया में वो क्या करें, जहन्नम में जाएं। तो एक एक वाले एहतजाज करेंगे, एहतजाज करेंगे मौलाना राशिद सुमरों की तरह, समझे, एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे कि ना इंसाफी तो इन्होंने की कि इनकी दो बीवियाँ, तीन बीवियाँ, चार बीवियाँ थी, हमारी तो एक एक थी, हमने कौन सी नाइंसाफ़ी की। अल्लाह ताला फरमाएंगे ठंडे दिमाग से काम ले लो, ऐसा नहीं है, मसला तुम्हारी एक एक बीवियाँ थी, दुनिया के अंदर मज़े उड़ा रहे थे आप लोग, आपने जन्नत वहीं पाई है, इनकी दो दो तीन तीन थी, ये जालिम के बच्चे वहाँ जहन्नम में थे, आज भी जहन्नम में भेज दूँ मुझे शर्म आती है, आज भी इनको मैं जहन्नम में भेज दूँ क्या है, मुझे शर्म आती है, इसलिए आज तुम लोग जहन्नम जाओ और ये जो मजलूम हजरात है ये क्या। इसलिए बुखारी किताब उन निकाह के अंदर इब्ने अब्बास का कौल है फ़इन्न खैर हाज़िल उम्मत अक्सर हुआ निसान, जिसकी बीवियाँ यहाँ ज़्यादा होंगे वो उम्मत में सबसे भला इंसान है, इसलिए मैं तुमसे सबसे भला हूँ, बकवास नहीं करना। बुखारी में किताब उन निकाह के अंदर देख लो फ़इन्न खैर हाज़िल उम्मत अक्सर हुआ निसान, समझते हैं बाबा, ये देखे ना कि ये मेरा शागिर्द है, उला सानिया सालिसा इस तरह राबी राबी में कुत भी पड़ा। अब ये देखो इसकी जनाजे उठाने के लिए ये कि क्या जाएं, चार पांच आदमी आ जाएं, इसको किसी चरपाई पे रखे, ये तो गरीब बात का, इससे पहले मैंने लोगों को जो पढ़ाया वो कितने हजारों की तादाद में, अभी आप जितने आए तो इतने तो दो रहती से फारिग हो गए, समझे, और जितने आप भी जा रहे भी इस तरीके पर हजारों को मैंने पढ़ाया, आपको समझ आ रही नहीं आ रहा। अब यह कि बाद लोग अल्लाह आपका भला करें,
और इस तरह परेशान होते, इस तरह परेशान होते। एक मौली मंजूर है अल्लाह के फजल व करम से, हमेशा खुश रहता है। बोलो, हमेशा खुश रहता है। एक आदमी से पूछा कि यार तुम हमेशा खुश रहते हो, तुम हमारे घर के पास रहते हो और कभी भी तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी बीवी की लड़ाई हमने सुनी नहीं है। हमारे घर में हमेशा लड़ाई होती है, बर्तन बजते, डज बीवी को मारा एक बर्तन, उसने वहाँ से देगची उठा करके डज मुझे मारा, उधर से चप्पल मारा, तो हमारी लड़ाई हमेशा होती है, लेकिन तुम्हारा घर हमारे साथ है, कभी भी लड़ाई की आवाज़ नहीं सुनी, गालियों की आवाज़ नहीं सुनी, क्या है तुम खुशी खुश हो? कहा यार गुर बता दूं आपको, कहा क्या? मैंने कहते मेरी जब शादी हो गई, मैंने बीवी से ससुराल वालों से कहा इसको समझाओ बीवी को, इंसान है, ज़िंदगी है, कभी अगर मुए गुस्से में आ जाऊं तो ये मुझसे तकरार ना करे, सीधा छत पे चली जाए, और अगर इसको कभी गुस्सा आ गया मैं इसको जवाब नहीं दूंगा, मैं सीधा छत पे चला जाऊंगा। तो अल्लाह के फजल व करम से 12 साल से मैं छत पे रह रहा हूं। हमारी खुशी का राज क्या है? बोलो, छत पे। और कभी इस तरह हंसी की आवाज़ आपने सुनी है? नहीं सुनी हमारे घर से? कहते हाँ सुनी है। कहा हंसी की आवाज़ आती नहीं? कहा का बीवी जब चप्पल जब चप्पल मारती है तो मुझे जब चप्पल लग जाता है तो वो हंसती कड़ 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 कड़, और जब मुझे लगती नहीं है चप्पल उस तरह तो मैं हंसता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमेशा खुशी है। हमारे यहाँ क्या होता है? खुशी होता है, हमारे कोई मसला नहीं है। अरे उन्हें समझ में आ गई नहीं आ गई? इसलिए साथी खुशी के राज नोट कर ले, समझे? आम तरीका यही है, तीन तीन चार चार शादियाँ करो, इंशाल्लाह घर में रहोगे भी नहीं, बाहर जलसों में जाओ, तकरीर करते रहो। वलहुन्न लहुन्न खबर मुकदम बनेगा, साबितुन कायनुन वबूलतुन हक बिरद्दिहिन, शोहर ज़्यादा हक रखते हैं इनको वापस करने का, फिजाल के इद्दत के दौरान शोहर कहे कि जी अब 3 महावारियाँ पूरी नहीं हुई, मैंने रुजू कर दिया, पप्पी ले ले, हम बिस्तरी करें या किसी को गवाह बना दे, इन अरादु इस्लाह, अगर शोहर हालात बेहतर बनाना चाहते हो, लहुन्न खबर मुकदम बनेगा, लहुन्न मिसलुल्लदी सबत अलैहिन्न। बोलो, लहुन्न औरतों के लिए मिसलुल्लदी अल्लज़ी से मुराद हक है, उनके लिए वो हक, अलैहिन्न सबत अलैहिन्न, जो हक उन पर साबित है, शोहरों के लिए बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक इतना हक औरतों को भी हासिल है। लहुन्न खबर मुकदम बनेगा मिसलुल्लदी सबत अलैहिन्न बिलमारूफ, ये अल्लाह को भला कर मुब्तदा मुअख्खर बनेगा मुज़ाफ़ ने, वली रिजाल अलैहिन्न दरजतुन, ये अलैहिन्न साबितन काइनतन, ये दरजतुन से हाल मुअख्खर हाल है और दरजतुन मुब्तदा मुअख्खर है, लिर्रिजाल खबर मुकदम बनेगा, और मर्दों के लिए औरतों पर दरजतुन एक बरतरी उनको हासिल है और फोकियत उनको हासिल है। वल्लाहु अज़ीज़ुन, अल्लाह ताला की ज़ात यह है कि क्या है, कादिर है और ग़ालिब है खुदा की ज़ात, लिमन युखालिफ अमरहु, जो खुदा के अमर की मुखालफत करता, हकीमुन, अल्लाह के सारे अहकाम जितने उसने उतारे हैं वो है अल्लाह हकीम है, हिकमतों से उसके अहकाम खाली नहीं है। वाक़ुल क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरूह।